And then I get this feeling that someone's there. It starts the same every night. साइकोपैथ किलर्स यानी कि वे लोग जो कि अपने मानसिक संतुलन के ठीक नहीं होने की वजह से मासूम लोगों को बुरी तरीके से मारा करते हैं। तो आज की हमारी इस मूवी में ऐसे मेंटल किलर्स के ग्रुप को देखेंगे जो कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए मासूम लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने रूम को क्लीन कर रही थी। उसे ऊपर लगे हुए फैन से कुछ आवाज़ आती है और उसे देखने के लिए वो उसके पास में जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले कोई अनजान शख्स जिसके चेहरे पर एक डेविल का मास्क लगा हुआ था उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद में उस लेडी की खौफनाक चीख के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी के घर के बाहर पुलिस को देखते हैं जिन्हें उस घर से चार फैमिली मेंबर की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया गया था और मार दिया गया था। उसी क्राइम सीन पर रिपोर्टिंग कर रहे एक न्यूज एंकर से हमें ये पता चलता है कि टाउन में इस तरह से बहुत से लोगों को मारा जा रहा है जिसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि ये किलर किसी फैमिली के घर में घुसकर वहां पर कैमरा लगा देते हैं और अपनी सारी किलिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और उसे टीवी पर दिखाते हैं ताकि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। जिसके बाद में हम उन लोगों की शॉर्ट क्लिप्स को देख पाते हैं जो उन किलर की लाइव ब्रॉडकास्ट को देखा करते थे। वे लोग ये बताते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि उस ब्रॉडकास्ट में सच में लोगों को मारा जा रहा है और उन सबको ऐसा लग रहा था कि वो बस एक नॉर्मल शो है जिसमें हाई ग्राफिक का यूज़ किया गया है ताकि सारे सीन बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। इन सब के बाद में हम किलर को उनके कंप्यूटर पर देखते हैं जो कि जेमी मिलर नाम की एक लेडी को स्टॉक कर रहा था। उस किलर का कंप्यूटर में जेमी की पर्सनल लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके साथ में जेमी के डेली शेड्यूल के वीडियो भी उसके कंप्यूटर में थे। फिर हमें जेमी की फैमिली दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि जेमी की रियल मदर की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है जिस वजह से उसके फादर ने ओलिविया से शादी कर ली। जेमी अपनी स्टेप मॉम ओलिविया से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जेमी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम डीजे था। फिर हम किलर को देखते हैं जिसने जेमी के घर में हर जगह पर कैमरा लगा दिए थे ताकि वो उसके घर की लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सके। जेमी अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड जोश से बातें कर रही थी लेकिन नेटवर्क इश्यू के चलते वो कॉल कट जाता है। फिर इसके बाद में वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि किलर उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हम डीजे को घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर उसके अंकल मैट पीछे से आकर उसे डरा देते हैं और इस तरह अचानक से आधी रात में आने की वजह से सभी मैट के ऊपर गुस्सा थे। फिर वो सभी को सॉरी बोलकर अपने रूम में चला जाता है। जेमी को उसके रूम में कुछ वेट फील होता है जिस वजह से वो डर जाती है। फिर जेमी विंडो पर चेक करने जाती है लेकिन तभी उसका लैपटॉप पर जोश का कॉल होता है और जोश से बात करने लगती है। अब नीचे डाउनस्टेयर में हम मैट और जोसेफ को उनके कॉलेज डेज के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। तभी उन दोनों के पीछे वही डेविल मास्क वाला किलर आ जाता है जो कि उनके घर में ट्रैप लगा रहा था और उसकी प्रेजेंस का एहसास किसी को भी नहीं होता है। फिर कुछ समय के बाद में मैट अपनी कार में से कुछ लेने जाता है लेकिन उसे कोई चीज डरा देती है जिसे चेक करने के लिए वो अपनी कार से बाहर आता है। मैट को बाहर आकर एक ड्रोन नजर आता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। मैट को समझ पाता उससे पहले एक किलर पीछे से आकर मैट के ऊपर हमला कर देता है जिसके चलते मैट वहीं पर गिर जाता है। अब काफी रात हो जाने के बाद किलर घर में दाखिल होता है और घर में मौजूद सभी के फोन को वो अपने साथ में ले जाता है ताकि कोई भी पुलिस को कॉल ना कर सके। इसके बाद में किलर बाहर आकर सभी डोर्स पर चैनल को फिक्स कर देता है ताकि कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल सके और इसी के साथ वो घर के सभी विंडोज को भी सील कर देता है। चैनल के लगने की आवाज से जेमी को किसी के मौजूद होने का एहसास होता है और वो चेक करने के लिए बाहर आती है। फिर आवाज होने पर घर के सभी लोग जाग जाते हैं और जोसेफ चेक करने के लिए नीचे जाता है। जोसेफ को ऐसा लग रहा था कि ये सब मैट कर रहा है ताकि वे लोग डर जाएं, जिसके चलते वो मैट को आवाज लगाता है। पर बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब मैट कोई जवाब नहीं देता है तो जोसेफ समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो ओलिविया से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। ओलिविया रूम में पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है लेकिन उसे वहां पर किसी का फोन नहीं मिलता है क्योंकि किलर ने सारे फोन पहले ही अपने साथ में ले लिए थे। जोसेफ भी नीचे जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन किलर ने घर की सभी लाइटें खराब कर दी थी जिसके चलते वो एक टॉर्च की मदद से घर को चेक करने लगता है। जोसेफ को घर में एक कैमरा मिलता है और उस फोटो में हम किलर को जोसेफ के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं और ये देखकर जोसेफ काफी डर जाता है। तभी अचानक से किलर जोसेफ के ऊपर अटैक कर देता है
और पॉलीथीन से दम घोटकर उसे वहीं पर मार डालता है। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरता हुआ देखकर जेमी पैनिक कर जाती है और वो ओलिविया को आवाज लगाती है। वे सभी कुछ कर पाते हैं। उससे पहले एक दूसरा किलर उन लोगों की तरफ बढ़ता है जिसे देखकर सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। किलर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन सभी ने फर्नीचर को डोर के सामने रख दिया था जिसके चलते किलर दरवाजा नहीं खोल पाता है और फिलहाल के लिए वहां से चला जाता है। अब किलर के जाने के बाद में सभी विंडो से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं पर तभी वो ड्रोन वहां पर आ जाता है और उसे देखकर वे सभी पीछे हट जाते हैं। दरअसल ये ड्रोन इन सभी लोगों की टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था जिसे लोग देख रहे थे और सभी लोग इस बात से अनजान थे कि ये सब किसी के साथ में रियल में हो रहा है। उन सभी को ये बस एक नॉर्मल टेलीविजन शो लग रहा था और किसी को ये नहीं पता था कि ये वास्तव में एक मौत का खेल है। जेमिन दूसरी विंडो पर जाती है चेक करने के लिए और वहां पर उसे मैट दिखाई देता है जिसे किलर ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि तभी ऑल ऑफ सडन टीवी पर जेमी की एक क्लिप आती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड जोसेफ से अपनी स्टेप मदर ओलिविया की बुराई कर रही थी। टेलीविजन पर जेमी की और भी काफी ज्यादा पर्सनल वीडियो प्ले होती है जिसे देखकर जेमी को यकीन नहीं होता है कि कोई उसे हर टाइम फॉलो कर रहा था। ये सब देखने के बाद में सभी को ये लगता है कि कोई हमसे रिवेंज लेना चाहता है। डीजे यहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है जिसके बाद में ये सभी अपनी जान बचाने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि वो इस घर से बाहर भाग जाएगा और इसी के चलते वो रूम में किसी हथियार को ढूंढने लगता है जिससे कि वो अपनी सेफ्टी के लिए रख सके। डीजे को एक शार्प एरो मिलता है जिसे वो अपने आसपास रख लेता है। फिर इसके बाद में सभी रूम से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर पहुंचते हैं। घर की बची हुई लाइट भी बंद हो जाती है और इसके बाद में कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा था। अब अचानक से लाइट्स ऑन होती है और उनके सामने एक गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ था वी सी यू। जेमी को कुछ याद आता है और वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर लगी हुई टीवी अचानक से ऑन होती है और उसमें वो किलर जेमी से कहता है इंटरटेनर्स। वहां पर पास ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा हुआ था जिससे काफी ज्यादा हाई एम्पियर में करंट पास हो रहा था। वो डीजे को मिल जाता है जिससे कि ओलिविया अपने पास में रख लेती है ताकि सभी लोग सेफ रहे। फिर इसके बाद सभी नीचे आते हैं और किलर से बचते हुए ओलिविया डोर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन डोर के आगे चैनल लगे होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती है और एक बार अगेन वे सभी लोग फंस जाते हैं। जेमी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है लेकिन समय रहते ओलिविया उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किलर को करंट लगा देती है जिससे कि उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है और वे सभी एक बार फिर से खुद को बेसमेंट में लॉक कर लेते हैं। जेमी को बेसमेंट की अलमारी में एक चाकू मिलता है जिससे वो निकालने की कोशिश करती है लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जेमी उस चाकू को नहीं निकाल पाती है। तब उन्हें बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है जिससे वो थोड़ा सेफ फील करते हैं। वे सभी पुलिस को बताने की कोशिश करते हैं कि वो बेसमेंट में फंसे हुए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जेमी की नजर ऊपर जाती है जहां पर वो देखते हैं कि पुलिस के सायरन की आवाज ऊपर लगे हुए एक स्पीकर से आ रही है और ये महज किलर का एक ट्रैप था। असली में वहां पर कोई भी पुलिस नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद में वहां पर जेमी का बॉयफ्रेंड जोश आता है। जोश को जेमी की फिक्र हो रही थी जिसके चलते वो उसे मिलने आया था। जोश की मौजूदगी की खबर किलर को लग जाती है और पीछे से आकर एक कुल्हाड़ी की मदद से जोश को जख्मी कर देता है और पानी की पाइपलाइन को चालू करके उसके मुंह में घुसा देता है जिसके चलते जोश भी बुरी तरीके से मारा जाता है। जेमी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता और अपने बॉयफ्रेंड को मरते हुए देखा था और उसके चलते वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी। ओलिविया को बेसमेंट में एक सीक्रेट विंडो मिलती है जिसके थ्रू वो घर से बाहर निकल सकती थी। ओलिविया डीजे और जेमी को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस विंडो से बाहर जाकर हेल्प लाएगी और तब तक तुम दोनों को बेसमेंट में ही रहना होगा। ओलिविया लौटने का प्रॉमिस करके सीक्रेट विंडो के थ्रू घर से बाहर निकल जाती है और बाहर आने पर ओलिविया को मेन डोर पर लॉक की चाबी दिखाई देती है जिसे देखकर वो चाबी से मेन डोर खोलने की कोशिश करती है पर उसे ऐसा करते है किलर देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए आता है। तभी मैट वहां पर आकर किलर को रोक लेता है और हमें पता चलता है कि मैट अभी मरा नहीं है। मैट के किलर को रोकने से ओलिविया को टाइम मिल जाता है और वो डोर को ओपन करके वहां से भाग जाती है लेकिन किलर मैट को इस बार नहीं छोड़ता है और उसे जान से मार देता है और इसके बाद में वो ओलिविया के पीछे जाता है। ओलिविया भागते हुए सड़क तक पहुंच जाती है और सामने से आ रहे एक ट्रक ड्राइवर से हेल्प मांगती है पर तभी हम देखते हैं कि ओलिविया को किसी ने किडनैप कर लिया है जिसके बाद में ओलिविया की चीख के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर अगले सीन में हम जेमी और डीजे को घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर डीजे वॉशरूम जाता है पर अचानक से वॉशरूम का डोर लॉक हो जाता है और एक किलर अंदर आकर जेमी के ऊपर हमला कर देता है।
जेमी यहाँ पर किलर से बहादुरी से फाइट करती है और उसी डिवाइस से किलर को करंट दे देती है। जेमी को लगता है कि वो किलर मर गया है, लेकिन तभी वो दोबारा से उठकर जेमी को मारने आता है, लेकिन इस बार डीजे अपने एरो को किलर के नेक में घुसा देता है, जिससे कि वो किलर वहीं पर मारा जाता है। अब जेमी अलमीरा में फंसे हुए उस चाकू को निकालने में कामयाब होती है और डीजे के साथ में बेसमेंट से बाहर आती है ताकि वो किलर को मार सके। बाहर आकर उसे टेबल पर पड़ी किसी की डेड बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरीके से कवर्ड थी। जेमी उस बॉडी से कवर को हटाती है तो हमें पता चलता है कि वो बॉडी ओलिविया की है, जिन्हें इन किलर ने ही किडनैप किया था, और किडनैप करने के बाद में उन्होंने ओलिविया को भी ब्रूटली तरीके से मार दिया। फिर अचानक से प्रोजेक्टर के थ्रू किलर जेमी को उसके बचपन की वीडियो दिखाता है जब वो पैदा हुई थी, और वो अपने पेरेंट को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। अचानक से किलर उसके सामने आ जाता है, जिससे अपनी जान बचाकर डीजे और जेमी एक एक्वेरियम के पीछे छिप जाते हैं। किलर अंदर आकर उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर अपना डेविल मास्क लगाकर वहां से चला जाता है। किलर के जाने के बाद में दोनों बाहर आते हैं और तभी टेलीफोन बजता है जिसे जेमी उठाती है। कॉल पर किलर जेमी से कहता है कि अगर वो अपनी और अपने छोटे भाई डीजे की जान बचाना चाहती है तो उस मास्क को पहन ले और हम में से ही एक बन जाए, जिसके बाद में हम तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। लेकिन जेमी यहाँ पर किलर की बात नहीं मानती है और कॉल को कट कर देती है। फिर जेमी किलर को मारने के लिए उसके पास में जाती है, लेकिन वो किलर इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। फिर मौका पाकर डीजे किलर के फेस पर एक गैस को स्प्रे कर देता है, लेकिन किलर उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर किलर पॉलिथीन से जेमी का दम घोटने लगता है और देखते देखते जेमी मारी जाती है। जेमी को मारने के बाद में किलर डीजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से जेमी किलर के ऊपर लेटर फेंक देती है, जिसका मतलब साफ था कि जेमी बस मरने का नाटक कर रही थी। गैस की वजह से किलर का फेस और उसकी बॉडी जलने लगती है और किलर के शरीर में लगी आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, जिसे देखते हुए जेमी डीजे की मदद से डोर पर फिक्स्ड चैनल को तोड़ के वहां से भाग जाती है। दोनों बाहर आकर वहां से गुजर रही एक वैन से मदद मांगते हैं, पर वैन भी उन्हीं साइकोपैथ ग्रुप की थी, जिसके बाद में वे लोग जेमी और डीजे को पकड़कर वैन में लॉक कर देते हैं। तभी उन सीरियल किलर के ग्रुप का लीडर वहां पर आता है, जो कि जेमी से कहता है कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। तभी वो किलर टीवी पर उनका नेक्स्ट टारगेट दिखाता है, जिसमें वो एक और फैमिली के सभी मेंबर को मारने वाले थे और इस बार वो सारी किलिंग जेमी से करवाना चाहते थे। मूवी के आखिर में जेमी बहुत जोर से चिल्लाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी साइकोपैथ किलर के बारे में है, जो कि बस एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के घर में घुसकर उन्हें मारा करते हैं और वो उनकी ब्रॉडकास्टिंग लाइव करते हैं। ठीक उसी तरह उनका अगला टारगेट जेमी और उसकी फैमिली थी, तो इसीलिए वो उसकी फैमिली और जेमी की पूरी डिटेल को निकालते हैं और एक रात को जेमी के घर में घुस जाते हैं। एक एक करके सभी किलर जेमी के फैमिली मेम्बर को मारने लगते हैं और एंड में जेमी और उसका भाई बचता है। वो किलर जेमी को ऑफर करते हैं कि वो भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अगली फैमिली की किलिंग वो खुद अपने हाथों से करें। जेमी किलर तो नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किलर ने ऐसा कहा था कि अगर वो उनको ज्वाइन नहीं करेगी तो उसके भाई को मार देंगे, और मूवी एंड कर दी जाती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अपने भाई को बचाने के लिए जेमी ने उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि जेमी अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसे कभी भी मरने नहीं देगी।